औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो एडवर्टाइज़मेंट है वहाँ पे उनको कन्फ्यूजन जो है फेस हो रही है, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि हमने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी पार्टिकुलर्स हैं जो हमने एप्लीकेशन में फिल करनी है एडवर्टाइज़मेंट से। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने इस एड को हमने रीड करना सीखा था कि हम इसको कैसे रीड करेंगे या कैसे हम इसके ऊपर जो है अपने मुतल्लिका रीजन्स या अपने मुतल्लिका पोस्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। चूँकि एडवर्टाइजमेंट काफ़ी लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है हर एक सेक्टर की, हर एक डिविजन्स की, ठीक है, हर एक प्रोवेंसेस की, सर्कल की, फिर वो जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। तो काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है फेस हो रही हैं, जो कमेंट्स बॉक्स में जो है मुझे इस तरह के उनके कमेंट्स मिल रहे हैं, तो उनकी खिदमत में हाजिर हैं इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, आज हम जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे हमने पोस्ट के साथ साथ जो है सीरियल नंबर को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ भी देखना होता है कि हमने अपनी जो पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो किस रीजन में है और उसको हम कौन से एड्रेस के ऊपर भेजेंगे। अगर सपोज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है मेरे सामने, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद, ठीक है, ASPO या ASMST, ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने जो पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट्स असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज के लिए अप्लाई करेगा, तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रीजन्स को देखना है, अपनी पोस्ट को देखना है कि आपके रीजन्स में, आपके सर्कल में कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप लाहौर सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर दो पोस्ट हैं वहाँ से वैकेंट हैं, और वहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो देखेंगे वो वेमेंस कैटेगरी हैं, यानी वेमेन के लिए जो कोटा मुख्तस किया गया है वो है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने ये देखना है कि उन्हीं सर्कल में क्या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो अवेलेबल है, ठीक है, या वहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर किया गया है तो आप बेशक वहाँ से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप एलिजिबल हैं। तो सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, कराची सर्कल के लिए अप्लाई करेगा तो वहाँ पे देखेंगे हम मेरिट के ऊपर है पोस्ट, और वो भी कराची, ठीक है, तीन पोस्ट्स हैं वो भी कराची के लिए जो है मुख्तस की गई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कराची के जो रीजन्स हैं, कराची के जो इलाका हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो कैंडिडेट्स बिलोंग कर रहा होगा वो इसके ऊपर अप्लाई करने का एलिजिबल होगा, अहल होगा। तो ये फ्रेंड्स थी एक तरीक़ाकार के आप किस तरह से आप अपने पोस्ट को, कंसर्न पोस्ट को फाइंड करेंगे, उसके ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद बात आती है जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फेस आ रही होती है, उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि सर हम जो पोस्ट सीरियल नंबर है वो हमें कंफ्यूज कर रहा है। अगर कोई बंदा, कोई कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज है, ठीक है, तो उसके बाद ये बेसिक जो है सीरियल नंबर आप लोग देख रहे होंगे, हमारे सामने मेंशन किया गया है कि इस एड में हमारे सामने जो है ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो है जो यहाँ पे हमारा पोस्ट मेंशन है जिसमें हम अप्लाई कर रहे थे, वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने इस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिख लेना है, उसके बाद BS या BPS जो है वो 14 है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ वैकेंसी का देखना है कि ये कहाँ की वैकेंसी है, आप लोगों ने ये देखना है कि वैकेंसीज कहाँ की हैं, तो ये देखने के लिए आपको ऐड में जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो ही आप प्लेस ऑफ वैकेंसीज या लोकेशन ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे हमारे सामने मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे हमारे सामने इस पोस्ट पे अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो ये पोस्ट जो है या ये जो वैकेंसीज है वो सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर के लिए है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। मेंशन करने के बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे सामने है वो है सीरियल नंबर, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमारे पास पहला आ रहा है, यानी फर्स्ट जो सीरियल नंबर है उस पर। अगर कोई सेकंड के लिए सिमिलरली यहाँ पे कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो वो सेकंड जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करेगा, और सेकेंड सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पर अपने मुतल्लिका जो है यहाँ पर इंटर करेंगे। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स सीरियल नंबर 1 के लिए अप्लाई करेगा,
ठीक है, तो सेम यही सीरियल नंबर वन जो है यहाँ पे हमने एंटर कर देना है। तो एक सिंपल सा तरीकाकार है, तो हमने इसी तरह ये प्रोसेस हमने फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो चीज़ें हो गई हैं कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना था और सीरियल नंबर हम कैसे एंटर करेंगे और BPS कहाँ पे हमें मेंशन हुआ नज़र आएगा या लोकेशन ऑफ वैकेंसीज हम कैसे लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि हम अपने एप्लीकेशन को सबमिट जो है कहाँ पे करेंगे, कौन से एड्रेस के ऊपर करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने हर एक एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट का पेज है, ठीक है, सपोज़ ये फर्स्ट पेज है, तो इस फर्स्ट पेज का जो एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसीज जो है हमारे सामने एंड हो रही हैं, हर एक पेज के नीचे आप लोगों को एड्रेस लिखा आ रहा होगा, ठीक है, एड्रेस मेंशन हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इस एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने ये जो जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इस एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने सबमिट करने हैं। तो सिमिलरली जहाँ भी हमारे सामने जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हों, तो आप लोगों ने अपने जो ऐड का पेज है उसके बिलो, ठीक है, यानी उसके नीचे जो जो एड्रेस है उसके ऊपर एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। तो सिमिलरली ये भी एक पोस्ट है जिसकी अगर कोई सपोज़ यहाँ पर सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सीरियल नंबर हमारे सामने 11 है, ठीक है, यानी 11 है। उसके बाद 3 पोस्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और दीगर जो शराइत हैं वो लिखी गई हैं, और ये जो है मेरिट के ऊपर है और इस्लामाबाद के लिए है, यानी जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का होगा तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकेगा। और उसके बाद जब आप लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर ली हैं, अप्लीकेशन मेंटर कर ली हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है आप लोगों ने इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। तो हर एक जो पेज है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, जो वैकेंसीज जहाँ पे एंड हो रही हैं, ठीक है, हर एक जो रीजन्स हैं जहाँ पे पोस्ट जो है एंड हो रही हैं, तो उसके नीचे जो है यहाँ पे पेज के नीचे जो है उनका एड्रेस है जहाँ पे आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है वो वहाँ पे मेंशन हुआ हुआ होता है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है, जो भी पेजेस हैं, इनके हर एक पेज के नीचे ये एड्रेस मेंशन हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन रेफरेंसेस हैं, इनमें कोई चीज़ आप लोगों ने डाटा या कोई चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे एंटर नहीं करना है, यानी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखना। ये जो चीज़ है ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है। प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एप्लीकेशन को फिल करना सीखा था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो हमारी प्रीवियस जो वीडियो है उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपकी जो जो प्रोसेस है या जो एप्लीकेशन है वो आप करेक्टली डाटा एंटर करके सबमिट कर सकें। यहाँ पर जो पोस्टल ऑर्डर के मतलब डाटा है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो पोस्टल ऑर्डर का नंबर होता है वो यहाँ एंटर करना है, अमाउंट लिखनी है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने पोस्टल ऑर्डर को जमा करवाया है, ठीक है, यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है जिस दिन आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे, और साथ में यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आपकी जो परेशानी थी या जो आपको जो कन्फ्यूज़न हो रही थी, जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही हूँ जब आप एप्लीकेशंस को फिल कर रहे होते हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही हूँ वहाँ से ज़रूर सॉल्व हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।